जनता अयोध्या नहीं जा रही, जनता अयोध्या ले जाई जा रही है। जनता अयोध्या नहीं जा रही, बस फ्री की जा रही है। हाँ, जनता तो ले जाई जा रही है, फ्री में आप कहीं ले जाओ देश की जनता को, क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग जब मान लो फुर्सत में हैं और टूरिज्म के बहाने कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। सरकार ढोंग बढ़ाने में ध्यान दे रही है, आस्था बढ़ाने में ध्यान दे रही है, जो कि संविधान का मजाक है। देश के लोगों को मूर्ख और साइंटिफिक टेम्पर से दूर करने के लिए, ताकि उनकी बुद्धि विकसित ना हो। इस देश की 21वीं सदी का सबसे भयंकर है, सबसे ढोंग अगर कोई होगा तो ये ढोंग जो आज सरकार कर रही है, जिस ढोंग में शामिल करने के लिए इस देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, जिस ढोंग में शामिल करके वोट की राजनीति करके सत्ता में बने रहने का जो षड्यंत्र है, इतना बड़ा षड्यंत्र तो बिरले घटिया से घटिया राजाओं ने किया होगा इतिहास में। आप राम मंदिर को उनकी जो आस्था, मैं किसी भी आस्था को, वो इंडिविजुअल से अगर बाहर जाती है सड़कों पे और वो उसका ड्रामा होता है तो मैं उसको ढोंग कहता हूँ, चाहे वो राम मंदिर ही क्यों ना हो। तो ये ड्रामा हो रहा है, जो हो रहा है सब बिल्कुल ड्रामा हो रहा है। देश को चाहिए क्या, देश अब चाहता ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मणिपुर क्यों नहीं गए, वहाँ क्या करने जा रहे हैं, वहाँ कहीं कहीं दिन का व्रत रखेंगे, कहीं कहीं दिन की पूजा करेंगे। अरे आप प्राइम मिनिस्टर, उसकी ड्यूटी पहले पूरी करो, आस्था इंडिविजुअल मामला है, ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को। किसी देश को ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, जिस देश में बहन बेटियां नंगी घुमाई जाएं तो सबसे पहले उस पर बयान दे और वहाँ जाए, उन लोगों से मिले। ये देश ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहता है जिस खिलाड़ियों का यौन शोषण हो सब, और जिनको अपने घर प्राइम मिनिस्टर बुला के चाय पिलाता हो और फिर बाद में गूंगा रहे, ऐसा गूंगा प्राइम मिनिस्टर इस देश को नहीं चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड नाम से कोई लेना देना नहीं, चाहे इसी करेक्टर का कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर है, वो भी देश को बर्दाश्त नहीं। और जितनी पावर संविधान ने दे रखी है उसका सदुपयोग नहीं हो रहा, ना हाईकोर्ट के जज कर पा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट कर पा रही। इनको अपना सदुपयोग क्या करना है, संविधान को बचाने में, संविधान को लागू करने में, जब संविधान तार तार हो रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के चक्कर में। उनको पता नहीं क्या सुप्रीम कोर्ट को, कि जिसमें चीफ जस्टिस का नाम दिया था, चोर दरवाजे से वो फटाफट वो कानून पास कर लिया पार्लियामेंट में, और वो दो आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर खुद, एक प्राइम मिनिस्टर का अपना चेला चांटा कोई भी शामिल रहेगा, अरे विपक्ष का तीसरा आदमी, तीसरे को कौन पूछेगा, तीसरा तो अपने घर बैठा रहेगा। तो ये अपने आप में इसके बड़ा क्या सबूत चाहिए कि दाल में काला नहीं, दाल की हांडी काली है। पर वकील साहब, आप लोगों को तो देश में विरोधी बना दिया गया है, देश विरोधी बना दिया गया है। कोई भी सिटीजन देश का जो देश के विषयों पे बोलता है, ये हर सिटीजन का राइट है, सबको बोलना चाहिए, कोई देशद्रोही नहीं है। किसी सरकारी मान आदमी की वजह से, सत्ता लोलुप लोगों की वजह से कहने से कोई देशद्रोही या विरोधी नहीं होता, कोई भी विरोधी नहीं है। बल्कि पॉलिटिकल पार्टी, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो राम का नहीं किसी का नहीं। ये सारे वो लोग हैं जो राम के एक भी आदर्श को फॉलो नहीं करते, वो सारे ढोंगी लोगों का ये नारा है, ये ढोंग का नारा है। इस नारे से देश को बचाना होगा, ये नारा एक तरह से सुनामी है, खतरनाक सुनामी है, पथ भ्रष्ट करने के लिए देश को और देश के लोगों को बहका के फुसला के उनका शिकार करने के लिए, ये देश के लोगों का शिकार करना चाहते हैं ढोंग के नाम पे। कहाँ बना मंदिर, वहीं बना। TV9 को ये नहीं पता, जहाँ कभी मस्जिद ही वहाँ मंदिर हो सकता है, जहाँ मंदिर है वहाँ कल गुरुद्वारा हो सकता है, कल कुछ परसों कुछ और चीज हो सकती है। इस धरती पे किसने क्या क्या नहीं बनाया, कितनी मूर्तियां, कितने स्टैचू कहाँ गए दिखाई दे रहे धरती पे। ये इस तरह के ड्रामेबाजी इस धरती पे नहीं टिकती, मानवता टिकती है। मानवता की बात सबसे बड़ी है, मानवता की जो बात करेगा वही इस देश में व्यवस्था की स्थापना कर पाएगा। मोदी जी ने कहा जा रहा है कि वादा पूरा करके दिखा दिया। मोदी का क्या रोल है इसमें, इसमें अगर हम जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसमें कोई मोदी का रोल नहीं। आप लोगों की बातों को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को धमकी जा रही है और वीडियो बंद किए जा रहे हैं। अरे बिल्कुल, वो चाहते हैं। आप लोग जो प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है सोशल मीडिया, इन मेन मीडिया वालों को भी पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे को कोई देखता नहीं और ये लोग गली गली में हर उसमें कितने लोगों को, कितने युवा, इतनी एनर्जी है, सारे यंग आदमी हो आप, किसी के बहकावे में या किसी के फुसलाने में लालच में भय से आप ग्रस्त नहीं हैं। आप असली मीडिया है, वो मीडिया देशद्रोही मीडिया है। देशद्रोहियों का इलाज होगा देश में, थोड़ा सा समय लगेगा। देश तो सड़कों पे आने के लिए तैयार है, देश अभी इंतजार में है कि ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो इलेक्शन लड़ेंगे या जो लोग प्रतिनिधि हैं या प्रतिनिधि बनने के चक्कर में हैं, भाई ये लोग शुरुआत करें, इंतजार में बैठे लोग। और आम तौर पे हमारे जैसे लोग भी सोचते हैं भाई पॉलिटिकल पार्टी जितनी है उनकी ड्यूटी भी बनती है ये कि वो देश के सामने जाएं इस इशू के लेकर, क्योंकि ये देश अब मशीन पे विश्वास नहीं कर रहा, धोखा हो रहा है इस बात पे। और जुम्मेवारी है सरकार की, जुम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन की, जुम्मेवारी है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी जुम्मेवारी है, देश में इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो, लोग किसको अपना प्रतिनिधि बनाना चाहें और किसको ना बनाना चाहें
किसकी सरकार बनानी चाहिए, लोगों की मर्जी की बात है। और लोगों की मर्जी तभी चलेगी जब लोगों को विश्वास होगा कि हमने जिसको वोट दिया उसको मिल रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये संविधान के खिलाफ है, देश की जनता के साथ धोखा है। इसलिए ऐसे मौके पे अगर इस बात की तरफ ध्यान नहीं देगी तो सरकार हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या पार्लियामेंट हो, ये सारे के सारे एक तरह से देशद्रोही का काम करेंगे देश के सामने, क्योंकि देश की जनता आखिरकार मालिक है, देश की जनता ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट कानून बनाने के लिए सुप्रीम है, जब पार्लियामेंट अपना काम ना करे तो सुपर किंग की तरह है। सुपर अगर सुप्रीम कोई है तो देश की जनता है, ना पार्लियामेंट सुप्रीम है, ना सरकार या देश का कोई पद सुप्रीम है। सरकार में पद राष्ट्रपति का सबसे बड़ा है, मगर देश की असली सरकार जनता के हाथों में है और जनता ही सबसे बड़ी। तो सर कब तक उम्मीद की जाए, कितने साल लग जाएंगे विलंबित होने में अभी? देखो उम्मीद तो आप भी इसी देश के, आप भी वोटर लोग हैं, पूरा प्रयास करिए और अपना पूरा सहयोग दीजिए। मुझे लगता है अगर सोशल सोसाइटी के लोग, जैसे हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे लोगों में से भी कुछ लोग अब सड़कों पर जाएंगे, सड़कों पर जाएंगे, देश साथ होगा। और जो देश साथ होगा सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी, सरकार की भी आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन की भी आ जाएगी, इवन कोर्टों की भी आ जाएगी, क्योंकि कोर्टें भी बहुत बार वो काम नहीं कर पाती जो देश के लोग चाहते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क उठता है, अगर कोर्टें काम करें, संवैधानिक कोर्ट अगर काम करें तो इतना बड़ा इश्यू नहीं बनता और हमें भी ठंड में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ना पड़े। आपके साथ ही कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। जनता अगर ये सोच ले भी ऐसे नहीं हो, असली मालिक तो देश की जनता है, देश के वोटर हैं, वो नहीं चाहते भाई इलेक्शन ना हो इस तरह से। अगर सरकार या इलेक्शन कमीशन या कोई साजिश के तहत इसमें इलेक्शन कराने की कोशिश करेगा तो जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनका तो हक भी है, ड्यूटी भी है, वो सड़क पे जाएं, धरने दें, जागरूक करें, रैली करें, प्रदर्शन करें और घेराव करें। घेराव का मतलब ये नहीं किसी को बंधक बनाना है, घेराव का मतलब ये है अरे वो गुंगे बैरो निकलो, इन पदों की कुर्सियों से बाहर निकलो, कान जनता की तरफ करो, या तो अपनी बात समझाओ तुम सच्चे हो तो। देश की सबसे बड़ी पार्टी भी पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता है, ये सब छोटी पार्टियां सेकेंडरी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई और अन्य दल हो, ये छोटी हैं, ये सारे के सारे तो एक तरह से क्या कहें, कंपनियां हैं ये सारी की सारी। इन कंपनियों को, कंपनी अपना जैसे विस्तार करती हैं अपना व्यापार बढ़ाकर, ये अपना वोटर बढ़ा के या अपनी सरकार बनाने में इनका ज्यादा ध्यान है, इसकी कॉमन समस्या की तरफ ध्यान कम है। कानून के जानकार हैं, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है ईवीएम बैन हो जाए जैसे आप लोग जिस प्रकार से? कुछ भी मुश्किल नहीं है और कानून में कोई ज्यादा बदलाव की जरूरत नहीं है, कानून वानून बाद में बदलते रहते हैं। सरकार की नीयत अगर सही है, अध्यादेश लाए और तुरंत ईवीएम हटाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराए, काम मुश्किल है। सरकार ने तो साफ कर दिया, चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव बिल्कुल पारदर्शी। हाँ तो अब तो फिर इसका मतलब तो अब ये जो गेंद है जनता के पाले में है, विपक्षी पार्टियां इनके पाले में है और विपक्षी पार्टियों में भी हिम्मत जब आएगी, क्योंकि देश की जनता की वजह से इन पार्टियों में हिम्मत आएगी और जब हमारे साथियों ने ऐलान किया है, इसको देख के पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन होंगे, पूरे देश में जनसभाएं होंगी और पूरे देश में घेराव का प्रोग्राम होगा। हो सकता है देश तैयार बैठा है और इतना उमड़ जाए तो एक मिनट से पहले अध्यादेश जारी हो जाएगा, कहाँ लगता है रात को। सर भानु प्रताप जी ने कई बार कॉल दिए ईवीएम के लिए और जंतर मंतर पर गए, लोग नहीं पहुंच पाते सर। देखो बात सुनो, इन शहरों के अंदर लोगों का पहुंचने का दिनचर्या जो लोगों की हो रही है और देश हमारा अभी भय और लालच के साए में है, पूरा देश, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी कागज से बंधा हुआ, किसी नौकरी से बंधा हुआ, किसी व्यापार से बंधा हुआ, किसी धंधे से बंधा हुआ और नहीं तो फ्री की स्कीम जो निःशुल्क स्कीम है उनसे बंधा हुआ हर।